लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेंग के प्रोग्रेस के बारे में सुन के लेडी मायो भी अब बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, जिसके बाद हम सेंग को देखते हैं जो कि एक के बाद एक आगे के मोनोलिथ को सॉल्व करता जा रहा था और सारे डिसाइपल बस आंखें फाड़ फाड़ के सेंग को आते हुए और जाते हुए देख रहे थे। और अब हम गो को देखते हैं जो 11वें मोनोलिथ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और ये और कोई नहीं बल्कि सेंग होता है, जो गो के पास आते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जिस पर अब गो भी स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुमने उस दिन ही इन सारे मोनोलिथ को अपने माइंड में सॉल्व कर लिया था और ये सच में बहुत ही अमेजिंग बात है। जिस पर सेंग गो को थैंक यू कहता है। तब गो सेंग से पूछता है कि क्या तुम जुओ गार्डन जाने वाली हो, जिस पर सेंग कहता है कि मैंने अभी उसके बारे में अच्छे से सोचा नहीं है क्योंकि अभी मेरा सारा ध्यान इन मोनोलिथ को सॉल्व करने में है। तब गो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अपना कंटिन्यू करो, जिसे सुनते ही सेंग अब इस मोनोलिथ को भी सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हम इन एल्डर्स को देखते हैं जो काफी ज्यादा सदमे में थे, जहाँ पर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, तुमने तो कहा था कि सेंग ने गिव अप कर दिया है और वो पिछले 23 दिनों से खेती बाड़ी कर रहा है, तो फिर अचानक कुछ ही घंटों में उसने 18 मोनोलिथ में से 17 मोनोलिथ को कैसे सॉल्व कर लिया। जिस पर अब तेने फैमिली के एल्डर कहते हैं कि उस सेंग के बच्चे ने हमें अपने चाल में फंसाया है, दरअसल खेतों पे काम करके उसने अपने आप को हम लोगों से बचाया है। जिस पर ये एल्डर कहते हैं कि उसे पहले ही मालूम था कि अगर उसने अभी से ही इन मोनोलिथ को सॉल्व करना शुरू कर दिया तो फिर कोई ना कोई उसके रास्ते में मुसीबत खड़ी करने के लिए जरूर आएगा। अब तेने फैमिली के ये एल्डर कहते हैं कि आपके ख्याल से अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर ये एल्डर बिना कुछ कहे वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब इधर हम एम्प्रेस और लेडी मायो को देखते हैं, जहाँ पर एम्प्रेस इस कैपिटल की ओर देखते हुए कहती है कि आज पूरे 100 सालों के बाद दोबारा कोई ऐसा डिसाइपल आया है जिसने बस कुछ ही घंटों में 17 मोनोलिथ को सॉल्व कर लिया, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो 18 मोनोलिथ को भी सॉल्व कर पाएगा। अब लेडी मायो कहती है कि मुझे यकीन है कि वो कर लेगा क्योंकि वो इन मोनोलिथ्स को मुझसे भी 5 गुना तेजी से सॉल्व कर रहा है। जिस पर एम्प्रेस कहती है कि इस चैलेंज में किसने कितना जल्दी मोनोलिथ को सॉल्व किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि क्या वो पर्सन 18 मोनोलिथ को भी सॉल्व कर पाएगा। और अब इधर हम सेंग को देखते हैं जो कि फाइनली 18 मोनोलिथ को सॉल्व करने के लिए आ जाता है, जिसके बाद सेंग आसपास देखते हुए इस 18वें मोनोलिथ के पास जाने लगता है। और अब यहाँ पर आकर इस मोनोलिथ को देखने के बाद सेंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि 18वां मोनोलिथ तो पहले से आधा टूटा हुआ था। और अब इधर लेडी मायो एम्प्रेस से पूछती है कि आपके हिसाब से क्या सेंग सच में इस 18वें मोनोलिथ को सॉल्व कर पाएगा। तब एम्प्रेस कहती है कि अगर सच में सेंग को इस मोनोलिथ को सॉल्व करना है तो फिर उसे आज अपनी सारी लिमिट को क्रॉस करना होगा, क्योंकि इस 18वें मोनोलिथ को खुद जो दुफू ने क्रिएट किया था और इसीलिए उनके इस मोनोलिथ को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल उनके जितनी ही क्षमताएं होनी चाहिए, इसीलिए अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए तो मैं भी बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। और अब इधर हम सेंग को देखते हैं जो इस मोनोलिथ को बहुत ही ध्यान से देख रहा था और काफी ज्यादा कोशिश करते हुए हर तरह से इस मोनोलिथ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि यह मोनोलिथ टूटा हुआ था इसीलिए सेंग का हर कैलकुलेशन फेल हो रहा था, जिसकी वजह से सेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। और अब थोड़ी देर के बाद भी जब कोई भी हल नहीं निकलता है तो फिर सेंग उस मोनोलिथ को छोड़ के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एक झरने के पास पहुँचने के बाद सेंग को इस एल्डर की कुछ झलक दिखाई देती है, जहाँ पर ये एल्डर कह रहे होते हैं कि जब तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं तो अब फिर तुम किस बात से डर रहे हो, तुमने आज तक जो कुछ भी सीखा है उन सारी चीजों को अपनी पूरी पावर के साथ इस मोनोलिथ के ऊपर फोकस करो। जिसे सुनने के बाद सेंग वापस इस मोनोलिथ के पास जाने लगता है और फिर इस मोनोलिथ के पास पहुंचकर उसी के सामने बैठ के मेडिटेट करना शुरू कर देता है, जिस पर इधर एम्प्रेस बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहती है कि आखिर उसे इस मोनोलिथ को सॉल्व करने का तरीका किसने बताया। और अब ये बात पॉप को भी पता चल जाता है, जिसके बाद वो अपने मन में कहते हैं कि शाबाश बच्चे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और अब इधर सेंग मेडिटेट करते हुए अपने माइंड के भीतर इन सारे मोनोलिथ को एक क्रम में सजाने लगता है और एक एक मोनोलिथ के सीक्रेट वर्ड्स को बहुत ही बारीकी से दोबारा जांचने लगता है, ताकि इससे 18वें मोनोलिथ को सॉल्व करने का कोई क्लू मिले। और अब इस काम को करते करते सेंग के मुंह से खून भी आने लगता है, जिसे पोछते हुए सेंग कहता है कि मेरा माइंड कॉन्सिनेंस भी इन सारे मोनोलिथ की सीक्रेट वर्ड्स को एक साथ कवर नहीं कर पा रहा है। और अब यही सब सोचते हुए सेंग ऊपर की ओर देखता है, तब उसे कुछ पंछी एक क्रम में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद सेंग अब अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मैं इन मोनोलिथ को जितना इजी समझ के इन्हें एक क्रम में सजा के सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था वो तरीका ही शायद गलत था, क्योंकि ये भी हो सकता है कि किसी फ्रेगमेंट के टुकड़े की तरह ये सारे मोनोलिथ भी मिलके बस एक ही चीज को डिनोट करते हो, लेकिन आखिर ये चीज क्या हो सकती है। और फिर अचानक सेंग अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है कि मुझे पता चल गया कि आखिर ये सारे मोनोलिथ किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। दरअसल ये सारे मोनोलिथ मिलके किसी पर्सन के लाइफ स्टार को डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि एक लाइफ स्टार ही किसी भी कल्टिवेटर के डेस्टिनी को भी चेंज कर
करने की पावर रखता है, इसीलिए शायद एम्परर वांगची ने भी मुझसे कहा था कि भाग्य को बदला जा सकता है। और अब सेंग इतना कहते ही हम देखते हैं कि आसमान में एक पिंक कलर की लाइट चमकने लगती है जो कि सेंग का लाइफ स्टार था। और अब इस लाइफ स्टार को देख के एम्प्रेस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि सेंग भी इस मोनोलिथ को सॉल्व कर पाएगा। और अब वहीं पर पॉप इस लाइफ स्टार को देखते हुए कहते हैं कि फाइनली आज तुमने साबित कर दिया कि तुम दावजी के डिसाइपल हो। तो गाइस पॉप ने ऐसा क्यों कहा ये हमें आगे पता चलेगा। और अब हम लोगों को भी देखते हैं जो कि इस नजारे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे और खुशी के मारे एल्डर जिन से चिल्लाते हुए कह रही थी कि देखिए मैंने आपसे कहा था कि मास्टर सारे मोनोलिथ को जरूर सॉल्व कर लेंगे। और अब इस लाइफ स्टार की पावर एज रिवॉर्ड के रूप में सेंग के साथ मर्ज होना शुरू हो जाती है और इसके साथ ही इस लाइफ स्टार की पावर इधर इस ब्लैक ड्रैगन को भी मिलने लगता है, लेकिन क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। और अब इधर हम सेंग को देखते हैं जो कि अपने माइंड के भीतर आ जाता है जहां पर अब अचानक उसके सामने वो ब्लैक स्टोन आ जाता है। और इससे पहले कि सेंग इस स्टोन के बारे में कुछ समझ पाता ये स्टोन सीधे जाके सेंग के लाइफ स्टार के पावर के साथ मर्ज हो जाता है, जिसके बाद ये लाइफ स्टार की पावर और भी ज्यादा चमकने लगती है। और अब इधर सारे डिसाइपल के लाइफ स्टार की पावर उसके बॉडी से निकलकर आसमान में जाके किसी आतिशबाजी की तरह फट रहे थे, जिसकी वजह से ये सीन देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था, जिसे देखकर अब एल्डरली थोड़े इमोशनल होते हुए कहते हैं कि आज सारे लाइफ स्टार भी इस बात का विटनेस बन रहे हैं कि आज के दिन आसमान में एक अनोखा लाइफ स्टार क्रिएट हुआ है। और अब इधर हम सेंग को देखते हैं जो बहुत ही हैप्पीली इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था क्योंकि फाइनली आज उसे अपना लाइफ स्टार भी मिल चुका है। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेंग गो से पूछता है कि क्या सच में तुम जुओ गार्डन नहीं आ रहे हो। तब गो कहता है कि नहीं, क्योंकि कल रात मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी नॉलेज अभी किसी चीज को अचीव करने के लिए इनफ नहीं है, इसीलिए तुम लोगों के यहाँ से जाने के बाद मैं कुछ समय और यहाँ पर रुक के अपने नॉलेज को गेन करूंगा, लेकिन तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि जुओ गार्डन में तुम मेरे भाई बहनों को प्रोटेक्ट करोगे। जिस पर सेंग भी ओके कहता है और इसके साथ ही वो गुओ को कुछ पिल्स भी देता है। तब गुओ भी थैंक यू सो मच कहता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हुए विदा लेते हैं, जिसके बाद सेंग वापस ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में आ जाता है जहाँ पर वो अपने एकेडमी के मेन गेट को देखते हुए कहता है कि क्या इस गेट को तेने सेंग जुई ने ठीक करवाया है। और अब जूनियन बहुत ही ज्यादा खुशी से सेंग के ऊपर झपट्टा मारते हुए कहता है कि मास्टर आपका तो जवाब नहीं, मैंने पूरी रात बैठ के उस नजारे को एंजॉय किया जो आपकी वजह से क्रिएट हुई थी। और अब सेंग वहीं पे मौजूद जीजुई को देखते हुए कहता है कि तुम भला ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में क्या कर रहे हो। जिस पर जीजुई कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जुओ गार्डन जाने वाला हूँ क्योंकि इस काम के लिए तेंग ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं। तब सेंग कहता है कि लेकिन मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। जिस पर जीजुई सेंग के पास आते हुए कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं ये मैटर नहीं करता है, तेंग अपने कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है, इसीलिए उसने मुझे तुम्हारे साथ जाने के लिए कहा है और मेरी ये खूबी है कि मैं अपने प्रॉमिस को तोड़ सकता हूँ लेकिन अपने कॉन्ट्रैक्ट को नहीं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।